क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे, हमारे इस मुशायरे की अध्यक्षता कर रहे मोहतरम आदरणीय ब्रह्मदेव शास्त्री पंकज जी, जो हमारे बड़े हैं और हम अपने बड़ों की दुआएं, अपने बड़ों का साथ लेकर चलते हैं। ये भी हमारी तहजीब का एक हिस्सा है, ये भी हमारी संस्कृति है। तो मैं चाहता हूँ कि उनका उनका इजहार तशक्कुर, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे मगर ये बहुत जरूरी है, उनकी एक लाइन भी अगर आप हजरात ने संजीदगी से और मोहब्बत के साथ सुन लिया तो मैं समझूंगा कि आपकी तहजीब बरकरार है, आपकी संस्कृति बरकरार है। इस हवाले से मैं अपने बड़े मोहतरम ब्रह्मदेव शास्त्री पंकज जी आपसे बहुत अदब के साथ निवेदन कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने शायरी हम सामईन को नवाज़। प्रोग्राम 9:15 बजे से चलकर 2:45 तक चला। मैं इसके लिए मंच पर विराजमान अपने शोरा हजरात और शामैन को धन्यवाद देता हूं। अगले वर्ष तक के लिए प्रोग्राम को रोकने से पहले फरमाइश है तो एक मतला और दो शेर। अली भाई एक मतला और दो शेर अर्ज कर दे रहा हूं। ये गांव है, गांव शुरू करता हूं कि पांव बेवाई हाथ में छाले रहते हैं, पांव बेवाई हाथ में छाले रहते हैं, पांव बेवाई हाथ में छाले रहते हैं, गांव में ऐसे रोग निराले रहते हैं, गांव में ऐसे लोग निराले रहते हैं। बहुत बहुत बहुत। और ये शेर नई पीढ़ी के लिए एक शिक्षा की तरह है कि गांव में ऐसे लोग निराले रहते हैं, अपने घर में आकर पीना बेहतर है, अपने घर में आकर पीना बेहतर है, मैं खानों में झूठे प्याले, मैं खानों में झूठे प्याले रहते हैं, मैं खानों में झूठे प्याले रहते हैं, पांव बवाई हाथ में छाले रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वर्ष 7 नवंबर तक के लिए विश्राम, अगर मौका मिला तो अगले वर्ष कुछ सुनाऊंगा।